सो हरे कृष्ण गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब अकाउंट अगेन। सो नाउ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रिमर की जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है, बट उसका रिव्यू जानने से जो रिव्यू हम जानेंगे भी कि वो कितना अच्छा ट्रिमर है, कितना अच्छा नहीं है। उसके साथ बहुत ही सारे पार्ट्स आते हैं जो हमारे फेस, जो हमारे उसमें एक शेवर रहता है, नोज ट्रिमर्स है, ट्रिमिंग के लिए कई सारे, पूरा ही सेट है। मैं उसको दिखाने तो नहीं वाला, पर मैं, मेरे पास वो है भी, बट उसके कुछ पार्ट्स वगैरह हैं वो मेरे से लॉस्ट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दे रहा हूँ पिक्चर्स को, तो वो आप देख लीजिए। बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, नोज ट्रिमर्स हैं, शेवर हैं, बट जो उसकी क्वालिटी है तो गाइस वो उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज मैंने उसका ही यूज़ किया था। वो ज़्यादातर मुझे 1300 या 1200 रुपए में पड़ गया था फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। सो इस तरह ये जो ट्रिमर गाइस जो मैंने मेंशन किया है ऑन द स्क्रीन पे, तो प्लीज़ अगर आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं उसको नहीं ही बोलूँगा, क्योंकि दो तीन दिन के बाद यूज़ करने के बाद जो मेरी जो बियर्ड था वो उससे ना, बियर्ड को जब मैं ट्रिमिंग कर रहा था तो मुझे पेन होने लगा था, वो बाल जो थे बियर्ड के वो स्ट्रेमर पे फंस रहे थे, तो वो उतना अच्छा खास वर्क नहीं किया, और वो एक ही बार मुझसे गिरा था, और उसकी जो क्वालिटी है वो उतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिया उसने। और मैंने फ्लिपकार्ट में भी कंप्लेंट किया था तो उतना ज़्यादा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था फ्रॉम कंपनी के साइड से जो भी है। तो ये जो प्रोडक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ही उसने खास वर्क नहीं किया, बट शेवर जो है मैं उसको कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक सेट द बियर्ड के हिसाब से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड हेयर में भी मैं उसको हेयर कट के लिए भी कर रहा था तो कई बार क्लाइंट की कंप्लेन भी आई, और मैं उसको जब यूज़ कर रहा था तो बाल खुद ही खिंच रहे थे, उसमें समझ में आ रहा था कि बाल खुद खिंच रहे हैं उस पर, और मैंने ड्रॉप्स भी डाले तो भी उतना ज़्यादा अच्छा वो वर्क नहीं कर रहा था। वो था गाइस नोवा कंपनी का, जो कि उतना अच्छा काम नहीं किया उस प्रोडक्ट ने, तो मेरे 1200-1300 उसमें काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हुए। तो मैं डेफिनेटली ही बोलूँगा कि आप इस प्रोडक्ट से दूर रहिए अगर आप इस, एंड प्लीज ट्राई टू ब्रांडेड वन जो कि आपको उसमें अच्छी वारंटी भी हो। उसमें गाइस 1 साल की वारंटी भी थी, पर मैंने उसको कंप्लेन भी किया था तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ था, तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया। सो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि आप इसका यूज़ करिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा ही यानी कि टूल्स मिलते हैं आपके नोज़ के, शेवर के, कई सारे ब्लेड्स वगैरह मिलते हैं, पर वो उतनी ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं किया। सो डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड दिस प्रोडक्ट एंड नॉट वुड लाइक टू टेल यू टू यूज़ दिस। सो थैंक यू गाइस, ज़्यादा ही मैं शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने वाला। मैंने जो भी प्रोडक्ट के बारे में बोला वो जस्ट रियली रियली ट्रू, तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जो वर्थ वाइल ना हो, ना ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट करें। थैंक यू गाइस, इफ यू रियली रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द बेल आइकन इफ यू आर न्यू, सो एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक फॉर मोर नोटिफिकेशन एंड हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हरे कृष्णा।